चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते राधे वृंदावनेश्वरी परिसभानसुत देवी प्रणमा वृंदाई कुलसिद्धि प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्तभक्तमुन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद को कोई प्रश्न कर रहे हैं कदे संसार थे के की करे उद्धार पावे कदे संसार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी संसार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी तो इसको उत्तर भी देते हैं भगवान कृपा व्यतीत केहो कोनो काले संसार थे के उद्धार होते ना तभी इसे संसार से उद्धार पाएंगे बल्कि से बोले जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होना तब तक इस संसार से भी उद्धार हो ही नहीं सकते इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन दैवी जैसा गुणों में मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपदन्ते मायाम एताम तरति कहते जो ये दैवी जो माया है कहते किसकी माया है कहते माया मेरी माया है ये मेरी माया है वही व्यक्ति ये माया से उद्धार हो सकते हैं जो मेरे शरण में आएंगे मेरे शरण में आए बगैर ये संसार से कोई पर पार में जा ही नहीं सकते हैं इसलिए एक समय कृष्ण और सुदामा जा रहे थे जाते जाते स्नान करने जा रहे थे जाते जाते इतने में सुदामा जी कृष्ण से प्रश्न करते हैं बोले कृष्ण हमने सुना तेरी जो माया है बड़ा प्रबल है और तेरे माया सारा दुनिया को नाक में दम करके रखा है और तेरी माया को समझना बड़ा कठिन है थोड़ी सी तुम अपना माया मेरे को दिखाओगे कैसे तेरी माया है तो कृष्ण ने कहा ठीक है समय आने पर मैं तेरे को दिखा दूंगा अभी दोनों स्नान करने के लिए जा रहे थे जाते जाते दोनों हाथ पकड़ करके जब स्नान किया समुद्र में स्नान करते ही एक समुद्र की लहरी आई और ऐसे झपटा मारी कृष्ण का हाथ से सुदामा जी को अलग कर दिया तो सुदामा जी पानी में है डूबते तैरते पता नहीं वो बेहोश हो करके जब उसको होश आया ना देखा एक बड़ा सुंदर राजमहल राजमहल से एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी निकल कर आई और एक हाथ में एक सुंदर फूलों की माला और सुदामा जी के गले में डाल दिया सुदामा जी को बोले आप तो लग रहे हो राजकुमारी बोले हाँ मैं राजकुमारी ये जो राजमहल है ना इसके मैं मालकियानी हूँ आज से आप मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ उनको लेकर राजमहल में बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे हठात देखा उसको कुछ बच्चे भी हो गए हठात देखा बड़ी जोर से एक सुनामी आई इतने जोर से सुनामी आई
पूरा के पूरा राजमहल को डुबा दिया और उसको जो एक एक बच्चा था ना उसको सामने देखा एक एक डूबते डूबते एक एक मर गए थे और एक बच्चा जो प्राण छोड़ रहे थे उसका छाती पड़ रहा था लेकिन इसको बचा नहीं पा रहा था है? किसी तरह से देखते देखते एक 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 बच्चा उसके सामने डूब डूब करके सब मर गए। अभी पत्नी जाए थी उसने कोशिश किया पत्नी को भी किसी तरह से बचाए लेकिन पत्नी को भी बचा ही नहीं पाया। पत्नी भी उसको सामने डूब करके वो भी मर गए। सबके सब खत्म सबके सब खत्म हो गए। इतने में हठात उसको एक पानी की लहर झटका आया मारे और मारते हुए पता नहीं उसको भी कहीं ले हाँ उसको भी कहीं ले लिया। इतने में कहाँ पर कृष्णा सुदामा जब स्नान करने गए थे वो हाथ पकड़ करके उन्होंने डूबे थे फिर तो देखे दोनों उठे। जब उठे सुदामा तो अक्के बक्के चक्के रहे और उस समय सुदामा जी हाँ श्वास ले रहा था हाँ रहा था। कृष्ण ने कहा सुदामा क्या हो गया तो हाँ रहे क्यों सुदामा बोले प्रभु मैंने क्या देखा मैंने देखा आप मेरी शादी हो गई बच्चे भी हो गए बड़े सुंदर राजमहल है और हमने देखा सुना भी आई और सबके सब एक एक मार डाले और मैं तो बड़ा डर रहा था काम रहा था। हम तो दोनों भी स्नान करने के लिए आए थे समुद्र में हमने सब क्या देखा। कृष्ण ने कहा सुदामा तुम मेरे को बोल रहा था ना तेरी माया बड़ी विचित्र है थोड़ी सी तेरी माया दिखा देना तेरे को मैंने अपना माया दिखाया अपना माया दिखाया। कहते माया मतलब क्या होता है हम कहते ना ये संसार माया है। कहते माया मतलब क्या होता है माया मतलब होता है जो जो चीज नहीं उसको वो चीज बोलना उसको ही माया कहते हैं उसको ही माया कहते संसार माया में रहे। संसार मतलब क्या है बोले संसार मतलब होता है समय कृपे सरती हर समय हमसे जो अलग अलग जा रहा है बच्चे थे बड़े हुए बूढ़ी बूढ़ी हो गए फिर धीरे 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 संसार हमें छोड़ना पड़ेगा इसलिए ये इसको कहते संसार है हैं। ये मैं तेरी पति हो तो मेरी पत्नी हो तो मेरे बेटा हो तो मेरी बेटी हो कहते ये इसको कहते संसार है जिसमें तरह तरह का केवल दुख दुख ही दुख है जहाँ पर केवल दुख ही दुख है जहाँ पर कहते इससे जीव कैसे निकल सकता है कहते जीव तभी निकल सकता है जब हम ठाकुर जी की चरण में हम शरणागति होंगे। ठाकुर जी तू मेरे और मैं तेरा हूँ हैं हमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार की काज अपर धनी तू मेरे हो मैं तेरा हूँ फिर दुनिया में कौन किसका है हैं और दुनिया में कोई किसकी है ही नहीं। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास हम भगवान की नित्य सेवक है। हमारा कृष्ण नित्य केना गेलाम एक कथा की भूले गेलाम एक कथा की भूले गेले ही माया गुलाम हरे पड़ता है वे कहती है माया की गुलाम मतलब माया की दास। हम क्यों माया की दास हो गए कारण क्या बोले कारण है हमने एक चीज को हमने भूल गया बोले किस चीज को भूल गया है? हम जो भगवान का जो नित्य दास है कर ये चीज हम भूल जाने का नाते फिर तो जितने सारे संसार की चक्कर है जितने सारे संसार की झामला है इसलिए भगवत सेवा ही बोलो भक्ति आर भोगा इच्छा अभक्ति बा ये संसार। अगर हम एक चीज को समझ जाए क्या समझ जाए हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है बोले भगवान की सेवा करना भगवान का नाम करना भगवान की भक्ति करना भगवत भक्ति करना अगर ये चीज को अगर जीवन में अगर हम समझ गए तो ये समझो हम सब चीज को समझ गए हम हर चीज को हमने समझ गए हैं। लेकिन जब हमारे मन में भोग की इच्छा होता है हैं कहते नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं मैं मेरा बेटा दुनियादारी यही सब कुछ है और जब संसार की भोग करने की इच्छा होता है तभी ये माया हमें आकर के पकड़ लेता है। लेकिन जब हमारी सेवा करने की इच्छा होता है हर चीज में हम भगवत दर्शन करें भगवत दर्शन करें मतलब कहते संसार किसका है ये दुकान मकान किसका है ठाकुर ने दिया है
ये बच्चे किसके हैं? बोले ठाकुर ने दिया है। ये संसार हमें क्या दिया? बोले ठाकुर ने दिया है। ये सब किसके हैं? बोले सब के सब श्री ठाकुर जी के लिए दिया हुआ वस्तु। अगर ये भावना आ जाए ना, बस संसार से हम अपने आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं कितना हमें संसार मायामय है। कहते भैया ये कब तक मायामय है? संसार मायामय है। बोले कब तक संसार मायामय है? बोले जब तक हम ठाकुर जी का ये नहीं समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये बोलते थे, प्रभुपाद का ये विचार है, प्रभुपाद से पहले और गुरु जो संत आए थे, बोले भैया त्याग दो, सब छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भैया किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को जोड़ो, हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, बस कल्याण मिले। किसी चीज को छोड़ना जरूरत नहीं, सब कुछ भगवान ने दिया है, हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो, तो बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, छोड़ने का कोई बात नहीं। इसलिए यही सर्वनाश कर संसार रहते हुए अचवा एकमात्र उपाय प्रणिपात परिप्रश्न सेवा वृत्ति सहकारे गुरु वैष्णव निकटे हरि कथा श्रवण। अगर ये जो संसार है ये क्या है? जीव का सर्वनाश करने वाली ये संसार है। अगर इससे कोई बचने के लिए उपाय चाहते हो तो प्रभुपाद कहते तीन काम करो। कितना काम करो? तीन। क्या 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 करनी चाहिए? इसलिए गीता में कहते तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदर्शते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। कहते तीन चीज कर दो संसार से उधार हो जाओ। बोले पहले क्या काम है? बोले तद्विधि प्रणिपाते न, बोले ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ, पहले ये काम करो। उसके बाद तद्विधि प्रणिपात बोले परिप्रश्न, फिर क्या करो? पहले गुरु जी को वैष्णव को भक्ति संबंधी प्रश्न करो, और तीसरा चीज क्या करो? सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा। ठाकुर जी अगर सेवा करेंगे तो बात माया से अपने आप माया से हम उद्धार हो जाएंगे। इसलिए पृथ्वी सहित हरि कथा सुन ले संसार करने प्रवृत्ति थमे जावे। कहते क्या करना पड़ेगा? बड़े आदर पूर्वक, बड़े प्रीति पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक क्या करना पड़ेगा? आदर पूर्वक भगवान की कथा सुना, भगवान की कथा सुना, भगवान की भजन करो, भगवान के नाम कीर्तन करो। तो इसको द्वारा क्या होगा? कहते अपनी आप ये संसार का जो बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे प्यार में एक कांटा गड़ गया, अभी वो कांटा को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और एक कांटा लगना पड़ेगा, और एक कांटा लगना पड़ेगा, फिर एक कांटा को तुम निकाल सकते हो। फिर उसी तरह ये संसार कब तक, ये संसार मतलब होता है अनित्यता, बस झूठा है, ये कब तक रहेगा? बोले ये संसार की कांटा ना हमारे प्यार में चुभ गया, अगर ये कांटा को निकालना तो क्या करना पड़ेगा? बोले दूसरे कांटा लाकर को कांटा को निकालो। बोले दूसरा कांटा क्या है? कहते भक्ति का कांटा है। जैसे आप लोग ने सवेरे आए, कितना बजे आरती में आए थे? कितना बजे आरती में? कितना बजे? सवा पाँच बजे आए। अरे एक घंटा पहले उठे भी होंगे, एक घंटा पहले उठे भी होंगे, एक घंटा पहले उठे भी होंगे, एक घंटा पहले उठे ना, उठ करके स्नान किए होंगे, नहीं मंदिर में जाएंगे आरती के लिए, मंदिर में जाएंगे आरती के लिए, मंदिर में जाएंगे। अब तुम्हारे स्मरण क्या रहा? मंदिर में आरती होने, आरती होने से पहले पहुंच ही जाए, इसलिए एक घंटा पहले उठे होंगे। एक घंटा पहले उठाने मतलब कितना हो गया? कितना बजे उठे होंगे? साढ़े चार, साढ़े चार बजे उठे होंगे, साढ़े चार बजे उठे, साढ़े चार बजे, कितना? साढ़े तीन बजे उठे, जब से समझो चार बजे उठे होंगे, चार बजे उठे होंगे मंदिर में जाना। अभी यहाँ से जब घर जाओगे कितना बजे घर में जाओगे? सात बज जाएगा, सात बजे जाओगे, सात बजे। देखो चार से लेकर के चार पाँच छः सात जो तीन घंटा है, आप देखना आपके दिमाग में केवल भगवान की स्मरण में, भगवान मंदिर में जाना, कथा सुनना,
कीर्तन करना और मंगल आरती करना। देखो तुम्हारे जो 3 घंटा तुम्हारी केवल भगवत स्मरण छोड़कर और कुछ नहीं, केवल भगवान की चिंता छोड़कर कुछ है कुछ चिंता है। 3 घंटा तो पूरा के पूरा भगवान, उसके बाद में घर में जाकर माला करोगे, ठाकुर को पूजा करोगे, ठाकुर जी का आरती करोगे, ठाकुर जी के लिए कुछ खाना बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओगे हैं। जब ये मन हर समय प्रभु की चिंतन कथा में डूब गया, फिर गया माया की चिंता तो गई। इसलिए कहते हैं एक कांटा गड़ गई माया की कांटा, अगर दूसरे कांटा मतलब है ऐसे नियम बनाओ, कितना हरिनाम करना, इतना इतना ग्रंथ पढ़ना, घर की जब कोई काम करो क्या मान करके ठाकुर जी का सेवा मान करके, ठाकुर जी की घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे तो किसके लिए खाना बना रहे हो, ठाकुर जी की खाना, बस यही भक्ति और क्या, यही भक्ति और कोई भक्ति नहीं, बस अपने बेड़ा पार। इसलिए तब तक ये माया है, ब्रह्मा जी कहते हैं जब तक कि हम ठाकुर जी की नहीं मान लेते, हर चीज अगर ठाकुर जी का मान लेते ना फिर तो माया का कुछ नहीं। बस भगवत चिंतन करते करते संसार से हम पार हो जाएंगे। किसी भक्त ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव कौन है, गुरुदेव क्या कृष्ण का धन में, गुरुदेव क्या धनी है, है? कृष्ण की धन में क्या धनी है। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बोले भैया जो दुनिया है ना, दुनिया का मालिक कौन है, दुनिया का मालिक ठाकुर है। कहते ठाकुर जी का मालिक कौन है, कहते गुरु जी। दुनिया का मालिक ठाकुर और ठाकुर का मालिक भक्त है, हैं? दुनिया का मालिक ठाकुर, ठाकुर का मालिक गुरु जी बाबा, इसका संत है। जैसे देखो मैया जसोदा है, कृष्ण का मालिक कौन है, मैया जसोदा है। उन्होंने ऐसे भक्ति की जो कृष्ण को खिलाना पिलाना, अगर कृष्ण अगर इधर उधर करना उसको शासन करती है, उनको मैया जसोदा शासन करती है। इसलिए दुनिया का मालिक ठाकुर, लेकिन ठाकुर का जो मालिक है ना साधु गुरु वैष्णव भक्त ही उनका उनका मालिक है। इसलिए इसलिए भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव संपत्ति व धन, कहते गुरुदेव का धन क्या है, ठाकुर है उनका धन है। लेकिन साधारण लोग क्या कहते हैं, हमारे धन तो दुनिया की दुनिया हमारे धन, लेकिन भक्तों का धन क्या है, ठाकुर ही उनका धन है। एक ने ही गुरु ही भगवान के दीते पारे, इसलिए गुरुदेव ही भक्तों भगवान को दे सकते हैं। गुरु प्रसाद ही कृष्ण कृपा को दर्शन लाभ है, पहले गुरु जी की कृपा से ही ये कृष्ण दर्शन व कृष्ण कहते गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त होगी। इसलिए श्री भक्तिवृंद ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है, क्या लिखते हैं, वही वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हेता से गुना करी दिया पद छाया सोदे हमारे तुम्हार चरण धारी। उसमें कहते हैं कृष्ण से तुम्हार कृष्ण बीते पार अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हेता से करु कर। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं कहते वैष्णव ठाकुर दयार सागर हेता से करुणा करी, हे वैष्णव ठाकुर आप तो दया की समुद्र हो, इसलिए आप ये दास के ऊपर में आप कृपा करो, क्योंकि कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हारे सकतिया से, बोले कृष्ण तुम्हारा है, कृष्ण तुम्हारे है। अगर आप चाहोगे ना फिर कृष्ण को आप हमें कृपा करके दे सकते, क्यों कृष्ण तुम्हारी है। इसलिए हम कौन है, कहते हम एक कांगाल है, इसलिए आपको पीछे पीछे
कृष्ण कृष्ण बोल करके आपको पीछे 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 हम चल रहे हैं, लेकिन आप हमको ऊपर में कृपा करो। इसलिए जब गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वह समझो भगवान संतुष्ट हो। इसलिए एक समय हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज उनका सारे भक्तों को उन्होंने एक प्रश्न किया है, उन्होंने प्रश्न किया तुम लोग ये बताओ भक्ति पाने का व भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। भक्ति भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या और भक्ति का डेफिनेशन है क्या बताओ। उन्होंने सब शिष्यों को पूछे, सब भक्तों ने अलग 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 उत्तर दिया। बोले भक्ति का डेफिनेशन है परानुरक्ति ईश्वर, बोले भगवान के प्रति तुम्हारी प्रेम होनी चाहिए है? जैसे उद्धव नारद आदि जैसे भगवान को भक्ति किया, भक्ति हमें ऐसे करनी चाहिए है? तब भक्तों लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया। हन्या विलासिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनुकूलेन कृष्णानुसरणं भक्तिर उत्तमा। भक्ति श्रेष्ठ भक्ति वह है जो काम करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे वो सुखी होंगे जो ये काम करते हैं, ये भक्ति। अलग अलग भक्तों लोगों ने अलग अलग कर दिया, लेकिन हमारे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज उनको पूछे, बोले तुम बताओ। उन्होंने बोले भैया हमें तो भक्ति भक्ति हमको जो बताएंगे, भक्ति भक्ति कुछ पता नहीं, हम तो अज्ञा है, हम पता नहीं ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। कहते अगर हमारी क्रिया से हमारी सेवा से अगर गुरु वैष्णव अगर संतुष्ट हो जाते हैं, गुरु अगर वैष्णव हमारी क्रिया सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं, फिर तो मैं समझ जाऊंगा बस हमारी भक्ति हो गई, हमारी भक्ति हो गई बस। इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान के सब गोसाई महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बढ़िया बात हो गई, ये बात सही बात है, क्योंकि अभी हमने ठाकुर का दर्शन नहीं किया, अभी हम गुरु वैष्णव के दर्शन कर रहे। अगर वो अगर हमारी क्रिया से संतुष्ट हो गए, समझना हमारी सब कुछ हमारी धन्य हो गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, कहते गुरु वैष्णव का कृपा से ही हमें क्या हो सकता है, बोले भगवान की कृपा और भगवत दर्शन हो सकता है। तीसरा प्रश्न है भगवत दर्शन करो माने की, कहते ना भगवत दर्शन हो सकता है, भगवत दर्शन का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं भगवत दर्शन है। बोले भगवत दर्शन का अर्थ करा तो 24 घंटा में थे 24 घंटा सर्पेंद्रिय भगवान सेवाई आत्मधर्म प्रतिष्ठा व भगवत दर्शन गुरु कृपा भजन प्रभाव अंतर बाहरे कृष्ण स्फूर्ति कृष्ण दर्शन। कहते कृष्ण दर्शन मतलब क्या है, हम कहते हैं हम कृष्ण दर्शन किया, कहते कृष्ण दर्शन मतलब क्या। कृष्ण दर्शन मतलब होता है 24 घंटा में जो 24 घंटा सारे इंद्रियों को द्वारा भगवान का सेवा आत्मधर्म प्रतिष्ठा भगवत दर्शन, जो व्यक्ति 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते हैं, हैं? सारे इंद्रियों को द्वारा अपना हैं? सारे इंद्रियों को द्वारा भगवत सेवा हर समय जो करते हैं, हैं? कहते आत्मधर्म प्रतिष्ठा होकर के, आत्मा का धर्म कौन है, आत्मा कौन है, कृष्ण का नित्य दास, उसका क्या धर्म है, भगवान की दासत्व करना। जो व्यक्ति 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवत सेवा सर्व इंद्रियों को द्वारा करते हैं, समझो यही भगवत दर्शन इसको ही कहते हैं। कहते कृष्ण कृपाए भजन प्रभाव अंतर बाहरे कृष्ण स्फूर्ति कृष्ण दर्शन है, जब गुरु जी कृपा हाँ भजन का प्रभाव बाहर और अंतर जहाँ केवल कृष्ण स्फूर्ति कृष्ण स्मरण ही यही भगवत दर्शन है, हाँ यही भगवत दर्शन। इसलिए प्रभुपाद ने ये मंदिर क्यों बनाए, कहते प्रभुपाद ने ये मंदिर क्या इसलिए बना, कारण क्या है, किसलिए बनाए, गौड़ीय मठ प्रभुपाद ने क्यों बनाया। कहते हैं प्रभुपाद कहते मठ मतलब क्या है, बोले पठत बसंती पठंती जत्र छात्रा, मठ मतलब उसे कहते हैं जहाँ पर परमार्थ छात्र लोग बैठ करके क्या कहते हैं भगवत भक्ति रूपी पाठ को बसंती
हर पठन थी जहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर पठन पाठन करते हैं, हैं? किस चीज की? बोले भगवत भक्ति की। जहाँ पठन पाठन करते वही उसको ही मठ कहते हैं। अब देखो मंदिर में सवेरे से शाम तक यहाँ पर क्या होता है? ठाकुर की सेवा, ठाकुर का कीर्तन, हरि कथा, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी की सब समय जो हर समय ठाकुर का कीर्तन नाम भजन में जो डूबा हुआ व्यक्ति है वनवास, यही भगवत दर्शन और ध्यान, यही भगवत दर्शन। इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमने ये गौरी मठ नहीं बनाया। बोले क्या बनाया? बोले गोलोक वृंदावन के राधा रानी की निकुंज मंदिर को मैंने बनाया। ये गौरी मठ नहीं, राधा रानी की ये निकुंज मंदिर में। निकुंज मंदिर में क्या होती है? कहते वहां पर अष्ट जाम है, जो 24 घंटा अष्ट जाम कृष्ण सेवा में सबके सब मंजरी सखी गोपियां सबके सब कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं। और गौरी मठ में भी क्या होता है? जो कुछ करते हैं, ठाकुर का श्रृंगार, ठाकुर का भोग, ठाकुर का कीर्तन, कथा प्रचार, ठाकुर का भजन, बस कहते यही जो व्यक्ति हर समय ये करते ना, वही कृष्ण दर्शन, उनका ही कृष्ण दर्शन होता है। यहाँ पर कहते हैं अंतर दर्शन की विशेष प्रयोजन, अंतर दर्शन की विशेष प्रयोजन। प्रभुपाद कहते हैं निश्चय अंतर दर्शन होना चाहिए। भोग्य दर्शन आकार दर्शन बा बहिर्दर्शन चढ़े दिए अंतर दर्शन विशेष दरकार। अंतर दर्शन ना होले बहिर्दर्शन थाकिबे ही, बहिर्दर्शन को माया दर्शन। इसलिए क्या करनी चाहिए? अंतर दर्शन करने चाहिए। अंतर दर्शन मतलब क्या? हमारे अंतर के अंदर के हैं। इसलिए अगर हम अंतर दर्शन नहीं करेंगे फिर हमें बहिर्दर्शन मिले, बहिर्दर्शन में माया। इसलिए अंतर दर्शन हर समय हमें करनी चाहिए। इसलिए खामेर अभ्यंतरस्थ चिट्ठीर विषय उद्गिर भी होले बाहिरे खाबा खाना देखवार और अवसर था ना विश्व के भगवत सेवक रूप दर्शन होले हमारे बाहर दर्शन था ना विश्व सर्वत्र ही भगवान विराजित प्रत्येक हृदय भगवान बसत स्थल। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा, बोले प्रहलाद तो ये बताओ तेरे भगवान कहाँ है? तुम जिसे भगवान को कह रहे हो मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, बताओ वो तेरे प्रभु कहाँ है? पहले तेरे प्रभु को दिखा था, बाद में तेरे को दिखाऊंगा, हैं? बताओ तो मेरे डर से ये विश्व ब्रह्मांड कहाँ पर आए? मैंने इंद्र को भी भगा दिया स्वर्ग से, इंद्र को भी भगा दिया, हाँ? सारा दुनिया मेरे डर से थर थर कहाँ पर है, लेकिन तू ऐसे एक ढीठ जैसे कुत्ते का पूछ होता है ना, बड़ा तेल लगा दो ये कभी सीधा नहीं होता, कभी ये सीधा नहीं। इसी तरह तेरी है, तू ऐसे है, बताओ तेरी भगवान कहाँ है? तब प्रहलाद ने क्या बताया? बोले ये बताओ मेरे भगवान कहाँ, नहीं तो बता है? मैं तो देख रहा हूँ कड़कड़ में भगवान है, मेरे को तो भगवान छोड़ करके दुनिया में कुछ देख नहीं रहा है। मैं जहाँ देखता हूँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। मैं तो देखता हूँ अंतर दर्शन मतलब होता है हर चीज में भगवत दर्शन करना, हर चीज में है भगवत दर्शन करना। जैसे कोई बढ़िया साड़ी पहन कर, अगर बढ़िया कोई साड़ी देख लिया तो उसको क्या समझो? अगर राधा रानी के लिए अगर हम ऐसे साड़ी पहना तो कितने बढ़िया होते हैं, कितना बढ़िया होता है साड़ी। नहीं तो अगर हम ऐसे कपड़ा कहीं किसको बढ़िया कपड़ा पहनते हुए देखा, अगर सोचे अगर ऐसे कपड़ा हमारे ठाकुर के लिए होता तो हाँ कितना बढ़िया होता। कोई अगर बढ़िया सब्जी बिक रहा है बोले भैया तभी ये सब्जी की सार्थकता है जब ये चीज को हम ठाकुर की सेवा के लिए ले जाए, ठाकुर जी की सेवा के लिए ले जाए। किसकी घर सुंदर घर देखा, सुंदर घर देख करके कहते भैया अगर ऐसे ठाकुर का मंदिर होता है ना, ठाकुर जी के मंदिर को अगर इतना बढ़िया सुंदर बना, कितने बड़े समुद्र है। अगर कहीं सुंदर जगह देखा बोले यहाँ पर देखो विषय लोग भोग कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ठाकुर जी के सुंदर मंदिर बनता तो ठाकुर जी के मंदिर बनता तो कितना सुंदर होता है। इसलिए हर चीज में क्या बुद्धि रखो, ठाकुर जी की सेवा की बुद्धि रखा करो। हर चीज को जब देखे यह चीज को हम कैसे ठाकुर जी को सेवा में लगाएंगे, ठाकुर जी की हम सेवा में लगाएंगे,
हर समय हमारे यही दर्शन अगर रहेगा तो इसको कहते अंतर दर्शन है, जहाँ पर हर चीज में ठाकुर जी की सेवा की बुद्धि देखो, हर चीज में कोशिश करो ला करके, जैसे पहले सब्जी गई बड़ा सुंदर नहीं, कहीं फल आया मार्केट में सुंदर फल आया, क्या करो चलो ये फल को ठाकुर जी के लिए ले जाएंगे, ठाकुर जी के लिए ले जाएंगे। इसलिए नियम बताया, जब कोई पहला फल आए ना मार्केट में, पहला फल आए है, पहला फल आए, उसको क्या करनी चाहिए, भले जितने पैसा क्यों नहीं हो, थोड़ी सी भी की नहीं हो, जैसे कोई पहला फल आता ना मार भी खाने का, जब आम की सीजन हो पहले पहले आम निकलता है, खाने का इच्छा करता है कि नहीं, इच्छा करता है, करते उसी तरह क्या करनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो कम लेकर क्या करो, पहले ठाकुर जी की सेवा में लगा, पहले ठाकुर जी की भोग लगनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हर समय हमारी अंतर दर्शन करनी चाहिए। प्रहलाद जब पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले मेरे भगवान सब कड़कड़े में मेरा भगवान, मेरे प्रभु को छोड़कर कुछ तो है ही नहीं, तो बोलिए खंभे में क्या है तेरा प्रभु, बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हैं, सचमुच से उनको ठाकुर जी दिखे, बैठते हुए ठाकुर जी देखे, उन्होंने क्या किया उठाया मुष्टि का था और मारे खंभे में, खंभा फट गया और कौन निकल गए, भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हर चीज में अंतर दर्शन करो, मतलब भगवत सेवा की विषय, हर चीज में ठाकुर जी की सेवा की विषय देखो, जिस चीज को देखो ये क्या है, ठाकुर जी की सेवा की विषय है, ठाकुर जी की सेवा में कैसे लगाएंगे, अगर ये चीज देख लिया ना बस हो गया, हमारे काम ही हो गया, सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमें कृष्ण कृष्ण ही देखेगा। हाँ इसलिए कदे अमर हृदय मंदिर भगवान सतत अवस्थान करते छे, हमें क्या समझना चाहिए, हमारे हृदय में ठाकुर जी हर समय हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे सेवा सुजोग प्रदान करे वर्जनी यही चिंता व दर्शन प्रबल भले आत्मवत मन्यत जगत न्याय सर्वत्र इष्ट दर्शन हवे, तखन आर बहिर दर्शन इतर दर्शन लघु दर्शन विश्व दर्शन था मना, तखन यही विश्व पूर्ण सुखाय के मना। प्रभुपाद कितनी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं मन जाते तो इन सब दर्शन, तखन की हवे बहिर दर्शन नहीं रहेगा, इतर दर्शन नहीं रहेगा, छोटा दर्शन नहीं रहेगा, दुनिया दर्शन नहीं रहेगा, उस समय क्या लगेगा, इस दुनिया भगवान का, दुनिया सब चीज भगवान की सेवा के विषय है, जब ये बुद्धि तुम्हारी हो जाए ना उस समय क्या लगेगा, बोले विश्वम पूर्णम सुखायते, उस समय ये लगेगा कि जो विश्व है संपूर्ण, ये विश्व आनंदमय है, ये विश्व संपूर्ण रूप में विश्व आनंदमय है, लग गया सारा दुनिया में आनंद ही आनंद है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं चौधरी के आनंद देखे प्रभु, तब तक हम सुखी थे जब तक तेरे चरण में शरणागत नहीं हुए, जब से तुम्हारे चरण में हम शरणागत हो गए सारा दुनिया को सुख ही सुख दिख रहे, दुनिया में हम कोई चीज हमें दुखी नहीं दिखता, सब चीज में दुनिया में हमें सुखी सुखी दिखता है। ठीक है निताई गौर ब्रह्म हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम I